الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام الله تعالى عليه وآله الصلاة والسلام معزز ناظرين وسامعين परवरदिगार आलम जल्ल जलालहु व मनवालु की हमद सना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहिया बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 तिलावत करने के शर्फ हासिल किया। गुज़श्ता 2 दुरूस भी इसी आयत मुकद्दसा के मज़मून पर बयान हुए। आज इस सिलसिले में बिहम्दिल्लाह ताला तीसरा दर्स है। मज़मून ये चल रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
सारी इंसानियत की तरफ रसूल बनकर तशरीफ लाए और हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम वो रहबरे आजम हैं कि जिनकी शान रहबरी ना तो किसी कौम के साथ मखसूस है और ना ही किसी जमाने तक महदूद है, बल्कि आपकी तालीमात और जो दीन आप लाए, जो दीन पेश किया, किताब व सुन्नत की तालीमात, इसी का नाम दीन इस्लाम है। तो आपकी तालीमात कयामत तक के लिए नोए इंसानी की हर जमाने की जरूरियात और तकाजों को पूरा करती है। और दीन इस्लाम आलमगीर दीन है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की नबूवत और रिसालत भी आलमगीर है और आपकी तालीमात कयामत तक हर दौर की जरूरियात और तकाजों को पूरा करती हैं। परवरदिगारे आलम ने आयत मुकद्दसा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बेसत आपको भेजने के मकासद को बयान फरमाया, मकासद बेसत को बयान फरमाया और हुजूर के फराज नबूवत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वल्लजी बाअस फिल उम्मीयीन रसूल मिनहुम, वही है जिसने उम्मीयों में बड़ी अजमत वाला, बड़ी शान वाला रसूल भेजा जो उन्हीं में से तशरीफ लाए। इस पर कुछ गुफ्तगू हुई कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मीयों में भेजा, मगर भेजा सारी इंसानियत के लिए, जैसा कि सूरतुल आराफ की आयत नंबर 158 में इरशाद हुआ, कुल महबूब आप खुद ऐलान फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ए लोगो यकीनन मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया। तो उम्मीदों में भेजा, मगर भेजा सारी इंसानियत के लिए, रसूल मिनहुम। इस पर अर्ज किया था कि चूंकि उम्मीदों में भेजा, उन्हीं में से भेजा, तो हुजूर नबी उम्मी हैं और सूरतुल आराफ की इसी आयत मुकद्दसा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, महबूब फरमा दो कि तुम सब की तरफ रसूल बनकर के आया हूं उस अल्लाह की तरफ से जिसके लिए बादशाही आसमानों और जमीन की, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता वही मारता है। और फिर फरमा फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबीयुल उम्मी, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है। तो खुद कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी उम्मी फरमाया। इससे पहली आयत सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 में भी, 157, ये जो पहले आयत पेश की 158 थी, उसमें भी हुजूर को रसूल नबी और उम्मी फरमाया। और आयत नंबर 157 में भी इरशाद हुआ, अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूल, अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूल नबीयल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। इस आयत मुकद्दसा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल नबी और उम्मी फरमाया। तो कुरान मजीद की
सूरतुल आराफ की इन दो आयात में रब्बुल आलमीन ने हुजूर को रसूल फरमाया, नबी फरमाया और उम्मी फरमाया। तो रसूल लघवी माना भेजे हुए, अल्लाह तबारक व तआला हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन, परवरदिगार आलम ने भेजा, रसूल फरमाया। एक उम्मी फरमाने से पहले इरशाद हुआ नबी, नबी नाबाउन से, नबी उस शख्सियत को कहते हैं जो बाखबर हो, जो गैब की खबरें दे। चिली फाजले बरेलवी ने जब या यूह नबी का तर्जमा किया तो कहा ए गैब की खबरें देने वाले। नबी वो शख्सियत का नाम है जो बाखबर होता है। तो पहले फरमाया नबी बाखबर हैं, फिर फरमाया उम्मी। तो मकसूद ये था कि परवरदिगार आलम ने नबी बनाया है, बाखबर बनाया है, और दुनिया में आकर किसी से खबर लेने की पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने खबरें दे के भेजा। जैसा कि कुरान मजीद में सूरतुर रहमान में परवरदिगार आलम ने साफ फरमा अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखा, लफ्जी माना वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, ये बाब मुतअद्दी ब दो मफूल होता है। आसान लफ्जों में ग्रामर की भूल भलियों में आपको ले जाने की बजाय यूं अर्ज किए देता हूं कि अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सिखाना, ये दो मफूल चाहता है। एक किसको सिखाया और दूसरा क्या सिखाया। जब तालीम की बात हो तो एक मुअल्लिम तालीम देने वाला, सिखाने वाला, एक जिसको सिखाया जाए, और एक वो किताब वो निसाब जो सिखाया जाए। तो परवरदिगार आलम ने अपना जिक्र भी फरमा दिया, रहमान रहमान ने सिखाया, और जो किताब सिखाई उसको भी जिक्र कर दिया अल कुरान। मगर किसको सिखाया इसका लफ्जों में जिक्र नहीं फरमाया। माना यह बना कि जहां को किसी वस्फ में शरीक हो, एक ही वस्फ में जब बहुत से लोग शरीक हों तो फिर नाम लेने की जरूरत पड़ती है, वजाहत की जरूरत पड़ती है। मगर जब हो ही एक तो फिर नाम लेना जरूरी नहीं होता। बल्कि अहले बलागत का एक मशहूर मकूला है कि अल किनायत तो अब लोग मेरा तसरी। तो जब फरमाया रहमान ने कुरान सिखाया तो ये तो बता दिया रहमान ने सिखाया और कुरान सिखाया, मगर ये नहीं बताया, लफ्जों में जिक्र नहीं किया, इसलिए कि कोई और किसी और जात की तरफ ज़ेन मुंतकिल हो ही नहीं सकता। ये बात इतनी अयां है, ये हकीकत अजहर मिन शम्स है कि जिन पर नाजल फरमाया उन्हीं को सिखाया। और फिर जैसा कि मैंने गुज़श्ता दर्स में भी अर्ज किया था कि उसूल तफसीर का मुसल्लिमा कायदा है और उसूल है कि कुरान मजीद की बाज़ आयात बाज़ आयतों की खुद तफसीर बयान करती है। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, किसको सिखाया इसकी तफसीर भी खुद कुरान मजीद ने सूरतुल कयामा में बयान फरमा दी। परवरदिगार आलम ने 29वां पारा सूरह कयामा ऐसा फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजला बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फ़इज़ा
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद लेकर आते, तो इन्नहू नज़्ज़लहू अला कल्बिक बिइज़्निल्लाह, हुजूर के कल्बे अथहरे पे, हुजूर के कल्बे मुबारक पे, कल्बे अथहर पे कुरान मजीद को नाजिल किया जाता, तो चूंकि हुजूर की जिम्मेदारी थी यतलू अलैहिम आयाती, तो आप इस जिम्मेदारी की वजह से आयात को जल्दी जल्दी दोहराते। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, महबूब ला तुहर्रिक बही लिसानक लिताजला बही, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत न करें, आप ना हरकत दें अपनी जुबान को इसके साथ, ताकि आप जल्दी याद कर लें इसको। मा इन्ना अलैना जमा हो, इसको आपके सीना मुबारक में जमा करना भी हमारे जिम्मा कर्म पे है, हमारे जिम्मा है इसको सीना मुबारक में जमा करना, व कुरआना और इसको पढ़ाना। फैज़ा करा ना हो, और जब हम इसे पढ़ें, फतबे कुरआना, तो आप इतबा करें इसी पढ़ने की। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे जिम्मा है इसको खोल कर बयान कर देना। तो परवरदिगार आलम ने सूरह कयामा की इन आयात में आयत नंबर 16, 17, 18 और 19 छोटी छोटी आयात हैं, इन आयात तय्यबात में ये बयान फरमा दिया कि हुजूर के सीने अकदस में आपके कल्बे अथर पे कुरान नाजिल भी किया है, आपके सीने अकदस में इसको जमा भी फरमाया है, आपको पढ़ाया भी है और आपको इसका बयान भी सिखाया। तो अब ये बात वाजे हो गई कि नबी जिसको परवरदिगार आलम ने बाखबर करके भेजा, और उम्मी के जिसे दुनिया में आकर किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से लिखना और पढ़ना सीखना जरूरत नहीं। वो हजरत साहब रूहुल बयान ने क्या खूब एक जुमला कहा, का खादम कलम जिसका खादम आला हो, कलम जिसका खादम आला हो और लोहे महफूज इसकी निगाहों के सामने हो, उसको नौशतन खान की क्या जरूरत है। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की जिम्मेदारी यतलु अलैहिम आयाती, आयतें भी पढ़ के सुनाएं, तो पढ़ना भी जानते हैं, अगर पढ़ना नहीं जानते तो अल्लाह की आयतें कैसे पढ़ के सुनाते। और जहां तक लिखने की बात है, एक इशारा मैंने दिया था, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तफसील में नहीं जाते, बिल्कुल इख्तिसार के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जब हुदैबिया के मकाम पे सुलह हुई, सुलह नामा लिखा गया, हुजूर मौला कायनात अली अल मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तहरीर फरमाया, तो जब ये लिखा कि ये मुआहदा दो फरीकों के दरमियान है और हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के बारे में लिखा कि हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम आप मुआहदा फरमा रहे हैं, तो उन्होंने इतराज किया कि रसूलुल्लाह काट दें, अगर हम रसूलुल्लाह मान लें फिर झगड़ा किस बात का, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौला कायनात को कि इसे काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखते हैं। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अर्ज करते हैं कि मेरी ये मजाल नहीं कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दूं, यहाँ को ये न समझे कि माज अल्लाह सुम्मा लियाज बिल्ला, तो हुजूर ने हुक्म फरमाया और उन्होंने हुक्म अदूली की नहीं। जब सारा मुआहदा लिख सकते हैं तो दो लफ्ज काट कर दो लफ्ज और लिखना क्या मुश्किल काम था, मगर ये दो लफ्ज काटने की बात नहीं थी, ये मोहब्बत व अकीदत की बात थी, ये अदब व ताज़ीम की बात थी। मौला कायनात करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने तो
अजमत मुस्तफ़ा पे, ताजीम मुस्तफ़ा के लिए नमाज असर को कुर्बान कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला बुखारी में हदीस मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम और उमर बिन औफ में सुलह कुरानी के लिए तशरीफ ले गए हैं। मदीना तैयबा मस्जिद नबवी शरीफ नमाज का वक्त आया, सहाबा ने यह तय किया कि हुजूर देर से तशरीफ लाएं, हम नमाज पढ़ लें। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला इमाम बने, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलमजमाइन मुक्तदी बने। जब नमाज जारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन हुजूर को जगह दी, आप अगली सफ में पहुंचे, मगर हजरत सिद्दीक अकबर इस कदर इन हिमाक में थे कि हुजूर की आमद की इत्तला न हुई। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने तस्फीक की। इस तरह करके उनको बाखबर किया। जब वो इस बात पे आगाह हुए कि हुजूर तशरीफ लाए, तो मुसल्ला इमामत से पीछे हट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया, हुक्म फरमाया कि अपनी जगह पे खड़े रहो, उसके बावजूद आप पीछे आ गए। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, नमाज से फरागत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी जगह कायम रहो तो तुम पीछे क्यों हट गए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या हबीबुल्लाह, अबू कहाफा के बेटी की क्या मजाल कि आपके आगे खड़ा हो। तो ये हुक्म अदूली नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत और अदब व ताज़ीम थी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी उम्मी हैं, क्या मतलब कि अल्लाह ने सब कुछ सिखा के भेजा, पढ़ा के भेजा और आपको ये जिम्मेदारी दी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमा रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, उसकी आयतें भी पढ़कर सुनाते, आयतें उसकी पढ़कर ये सुनाते हैं, कलाम उसका है, जुबान इनकी है, कुर्बान जाए उस जुबान अकदस के कि कभी बोले तो मुस्तफ़ा बोलते हैं, कभी बोले तो खुदा बोलता है, कभी कौले रसूल ज़हूर व सुदूर के इतिबार से कुरान है और कभी कौले रसूल हदीस मुस्तफ़ा है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आयतें भी सुनाते, पढ़कर सुनाते हैं, वह यज़क्की, उन्हें पाक भी फरमाते हैं, तज़किया भी फरमाते हैं, क्योंकि ये मज़मून भी तफसील तलब है, इस तज़किये का जिक्र बाद में करते हैं। फरमाया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब की तालीम भी देते हैं, किताब भी सिखाते हैं, किताब से मुराद कुरान हकीम, और उन्हें हिकमत भी सिखाते हैं। क्या मतलब? सिर्फ आयतें पढ़ के नहीं सुनाते, सिर्फ उनका मतलब मफहूम और मुद्दा बयान नहीं फरमाते, बल्कि उसकी अमली तफसीर करते हैं, जिसे हम सुन्नत कहते हैं, इसी का नाम सुन्नत है ना। तो मौल्लमे किताबो हिकमत हैं, तो मौल्लमे किताबो हिकमत का क्या मतलब हुआ कि मौल्लमे किताबो सुन्नत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयतें भी पढ़ के सुनाते हैं, कुरान भी सिखाते हैं और उसकी अमली तफसीर भी बयान फरमाते हैं। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुजूर की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमली तफसीर पेश फरमाते हैं। जब इबादत का शौक और तरगीब दिलाते हैं तो खुद सारी सारी रात क़याम में गुजारते हैं, पांव मुतवर्रम हो जाते हैं,
सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला मजमाइन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या हबीबुल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आपको आप तो मुनज्जा हैं, आप तो पाक हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, बरगुजीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आप सारी सारी रात कायम करते हैं, पांव मुतवर्रिन हो जाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाते हैं, अफला अकून अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं। तो यूं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिलावत आयात भी फरमाते हैं और तालीम किताब भी, तालीम हिकमत भी। कुरान मजीद से एक शहादत पेश कर दूं कि परवरदिगार आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किताब भी नाजिल फरमाई है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर हिकमत भी नाजिल फरमाई। देखिए सूरत निसा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 113, अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताब भी नाजिल फरमाई है और हिकमत भी नाजिल फरमाई है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और परवरदिगार आलम ने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला का आप पर फजल अज़ीम है। तो किताब भी नाजिल हुई, हिकमत भी नाजिल हुई। फ़र्क ये है कि कुरान वही मतलब है, वो वही है जिसकी तिलावत की जाती है, वही मतलब, और हदीस वही गैर मतलब है, वो वही है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। फ़र्क ये है कि किताब कुरान वो है जिसके मानी भी नाजल हुए, अल्फाज भी नाजल हुए, और हदीस वो है कि जिसके मानी तो नाजल हुए, अल्फाज हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने उस मफहूम उन मानी को अपने अल्फाज पहना कर बयान फरमाया है। यह भी वही है, वो भी वही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, या बोलते हैं वही है, इलाही होती है। हुजूर के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उम्र ज़रा छोटी थी, जवान थे, और अपना अपना मुकद्दर है, बाप से भी पहले मुसलमान हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर हदीस को लिख लिया करते थे। कभी बड़ों ने मशवरा दिया, कुछ लोगों ने समझाया कि तुम हुजूर की हर हदीस को, हर बात को लिख लेते हो। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी किसी से खुशतबीबी फरमाते हैं, कभी किसी पर नाराज़गी का इजहार भी फरमाते हैं, कभी किसी कैफियत में, कभी किसी हाल में, तुम सब कुछ ही लिखते जाते हो। कहते कुछ दिन के लिए तो मैंने लिखना छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करूँ, हुजूर से पूछ लूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या हबीबल्लाह, मैं सब कुछ लिख लिया करता था मगर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, उक्तुब, लिख लिया। इसलिए किस हलक से जो निकलता है हक निकलता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम तालीम किताब भी और तालीम हिकमत भी, यानी किताब का मफहूम भी समझाते और उसकी अमली तफसीर भी बयान फरमाते, अमल करके भी दिखाते, और तिलावत आयात और तालीम किताब व हिकमत के जो असल मकसूद तज़किया व युज़क्कीहिम, पाक भी फरमाते। आपकी निगाह नबूवत में, उस निगाह फैज़ असर में वो कमाल रखा कि जिस पे पड़ गई दिल की दुनिया बदल दी, कुलूब अजहान को हर किस्म की आलूदगियों से भी पाक फरमा दिया, बातिल अकायद नज़रियात और बातिल अफकार से
अकायद से नजरियात से पाक फरमाकर महासने आमालो अखलाक की तालीम दी और परवरदिगार आलम की अता करदा शान सिराज मुनीरा से जिस पे निगाह डाली उसके दिल की दुनिया बदल के रख दी, उसके दिल को पाक और साफ फरमा दिया, चमकदार बना दिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या हबीबुल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम की बारगाह से इस अजमत और इस शान की आपको सिराज मुनीरा बनाया, आफताब चमका देने वाला, ऐसा सूरज जो चमका देता है, नूर अता फरमाता है, खुद नूर और नूर अता फरमाने वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने इस सिराज मुनीरा की शान से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन अलैहिस्सलाम वो पाकीज़ा जमात तैयार फरमाई जिनकी अजमत और जिनकी पाक दामनी पर फरिश्ते बेरश करते। अल्लाहु अकबर। यहाँ एक मजमून ये अर्ज कर दूँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ कि परवरदिगार आलम ने हर मखलूक को फितरत पे पैदा किया, उसकी एक फितरत है, उसका एक वजीफा हयात है। जैसे फरिश्तों को खालिस नूर से पैदा फरमाया और फिर उनकी तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना, तस्बीह व तकदीस बयान करना और उसके अहकामात की फरमा बरदारी करना। अब फरिश्तों में नाफरमानी और अहकाम से रूगर्दानी की सरिश्त उनकी सरिश्त में ये रखा ही नहीं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फरिश्ते वही करते हैं जो उन्हें हुक्म होता है। देखिए सूरत तहरीम में परवरदिगार आलम ने आयत नंबर 6 फरमाया, जो फरिश्ते हैं ना, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफअलून मा युमरून, ना फरमानी नहीं करते अल्लाह जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, वो फौरन बजा लाते हैं जो उन्हें इरशाद फरमाया जाता है। गोया के उनकी सरिश्त में नाफरमानी और अहकाम से रूगर्दानी रखी नहीं गई। जैसे मिजाज जो समझ ली पहले, अब इंसानों को लीजिए, इनकी तखलीक का मकसद हयात बयान फरमाते परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इन्हों इंसानों का अपनी इबादत के लिए, अपनी मार्फत के लिए, इबादत के लिए पैदा किया, तो इनका वजीफा हयात, मकसद हयात इबादत खुदावंदी तकवा तहारत है, मगर फरिश्तों की तरह इन्हें मजबूर नहीं किया। बल्कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि सूरह शम्स आयत नंबर 7-8, वनफ्स वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, कसम है नफ्स की उसको दुरुस्त करने वाले की, फिर उसके दिल में डाल दिया उसकी नाफरमानी उसकी पारसाई को, दोनों सलाहियतें रख दी और मिसाल से इसको यूं समझ लें कि जो चौपाए हैं ना जानवर, उनकी फितरत है कि वो खड़े होकर खाते, अगर उनका मालिक चाहे भी कि बैठ के खाएं तो उन्हें इस पे कुदरत ही नहीं, वो खड़े होकर खाने पे मजबूर हैं, मालिक के चाहने के बावजूद बैठकर नहीं खा सकते। मगर इंसानों को मजबूर नहीं किया,
इनका वजीफा है हयात, इनका मकसद है जीस्त, तो इबादत तो मार्फत है, तकवा और तहारत है, मगर इस पर इन्हें मजबूर नहीं किया, बल्कि नेकी बदी दोनों कुव्वतें इसके अंदर रखी हैं कि अगर इसे इख्तियार है, अगर चाहे तो जानवरों की तरह खड़े होकर खाए, और चाहे तो इंसानों की तरह बैठ के खाए। यही मिसाल है कजाए हाजत की। तो बात समझ में आ गई कि परवरदिगार आलम ने दोनों कुव्वतें रखी हैं, और फिर इंसान के अंदर कुव्वत गज़बिया भी रखी है, कुव्वत शहवानिया भी रखी है। इन दो कुव्वतों की वजह से इंसान में सरकशी, तशद्दुद, जुल्म, बुग़्ज़ो अदावत, हिर्स व लालच, हसद व कीना जैसी बुरी खसलतें पैदा हो सकती हैं। और इन्हीं दो कुव्वतों की तरफ नज़र करते हुए कभी फरिश्तों ने कहा था कि मौला ज़मीन में फसाद फैलाएगा, खून रेजी करेगा, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था इन्नी आलम मा ला तालमून, फरिश्तो तुम्हारी नज़र फसादियों पे है, मेरी नज़र मिलादियों पे है। तुम बारूद वालों को देख रहे हो, मैं दुरूद वालों को देख रहा हूँ। इन्नी आलम मा ला तालमून, जहाँ फसादी होंगे वहाँ मिलादी भी होंगे, जहाँ बरूद वाले होंगे वहाँ दुरूद वाले भी होंगे। बेहमदिल्ला ताला हम बरूद वाले नहीं दुरूद वाले हैं। तो परवरदिगार आलम ने दोनों कुव्वतें रखी, और उधर बुराई का हुक्म देने के लिए और बदी पे उबारने के लिए शैतान मौजूद है, तो जरूरी था कि बदी की कुव्वत पे गलबे के लिए, नेकी की जिला के लिए, इस कुव्वत की तरक्की के लिए ऐसा सिस्टम निज़ाम बनाया जाए। उस निज़ाम को परवरदिगार आलम ने इस कदर उसका इहतमाम फरमाया, मौसर बनाया कि तज़किए तरबियत और तज़किए का निज़ाम, और वो हुजूर के फ़राइज़ नबूवत में शामिल फरमा कर फरमाया वयुज़क्कीहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पाक फरमाते, जब ये जिम्मेदारी दी तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को वो सलाहियतें, वो कुव्वतें, वो इस्तेदाद भी अता फरमाई। यही वजह है कि आप जो हकीकतन आपको देख ले और जिस पे आप नज़र डाल दें, उसके दिल की दुनिया बदल जाती, उसके दिल को चमका देते, उसके दिल को साफ साफ और शफाफ बना देते, तज़किया फरमा देते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी तालीमात, किताब व सुन्नत की, कुरान व सुन्नत की तालीमात जो क़यामत तक के लिए हैं, वो इंसानी ज़िंदगी को तज़किया मुहैया करती हैं, और फिर ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। बिल्कुल इख्तिसार से अर्ज कर दूँ, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन ये जो फैज़ है, फ़राइज़ नबूवत का ये जो फैज़ है, इसको क़यामत तक जारी उसारी रहना है। तो बिलवास्ता या बिला वास्ता ये जारी उसारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। तो तिलावत आयात की जिम्मेदारी हुजूर की उम्मत के कुर्रा और हुफाज अदा कर रहे, और तलीम किताब व हिकमत की ड्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा हक अंजाम दे रहे हैं, और तज़किया बातन को पाक करने, दिलों को साफ करने की जिम्मेदारी, तज़किया की ड्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया किराम मशाइख़े इज़ाम सर अंजाम दे रहे हैं। क़यामत तक हुज़ूर का ये फैज जारी है, जैसे किसी आयत के साथ फरमा दिया वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। तो परवरदिगार आलम सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की निगाह करम से, निगाह इनायत से हमें भी दिलों का तज़किया, बातन का तस्फिया, तज़किया नफ्स नसीब फरमाए। अगर कभी फिर वक्त मिला तो इंशाल्लाह फिर अर्ज़ करूँगा कि तरबियत व तज़किया से पहले नफ्स की हालत, नफ्स से अम्मारा है, तब तरबियत का आगाज होता है, कुछ तज़किया मिलता है तो फिर नफ्स से लवामा है, और जब इसे फैज़ान नबूवत से तज़किया मिल जाता है तो फिर ये नफ्स से मुतमईना हो जाता है, फिर परवरदिगार आलम की बारगाह से सदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिकि राधियतम मर्दिया फ़दखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि सैयदी या हबीब।